सिर्फ अच्छी है। मेरा वीडियो मत बना यार। तेरा वीडियो तो जरूर आएगा। बिल्कुल भी नहीं। जरूर जरूर आएगा। बिल्कुल भी नहीं। वेलकम बैक टू द चैनल। आज का दिन काफी ज्यादा हेक्टिक होने वाला है और मजेदार भी। हेक्टिक क्यों होने वाला है आज का डे? क्योंकि कॉलेज जा रहा हूँ और कॉलेज में जो मेरे को वर्क पेंडिंग जो पड़े हुए हैं उनको कंप्लीट करना है, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब होने वाला है। तो कॉलेज चलते हैं। आधा दिन हेक्टिक होगा, आधा दिन मज़ेदार होगा। मज़ेदार क्यों होगा आगे देखो। और तुम ये देख रहे हो ये चश्मा, तुमने नोटिस किया होगा ये दूसरा चश्मा है, ठीक है। एक्चुअली वो वाला चश्मे का क्या हुआ, फुटबॉल मेरे यहाँ इस आँख में आकर के लगी और वाला चश्मा टूट गया। तो अभी अपन ये वाला चश्मा पहन के जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। वो वाला चश्मा भी अपन रिपेयर करेंगे या फिर न्यू बनवाएंगे। ये मेरा ना 7 साल पुराना चश्मा है, 7 साल पुराना, अभी भी काम आ रहा है। तो यार अपन आ गए हैं डायरेक्ट चश्मे की शॉप पे। एक चश्मा सेलेक्ट किया, अंकल रेडी कर रहे हैं, 2 मिनट में दे देंगे मेरे को, उसके बाद कॉलेज चलते हैं। और भैया जी से अपना चैनल सब्सक्राइब करवा के भी जाऊँगा। तो अपन उस चश्मे से इस चश्मे पर शिफ्ट हो गए हैं। कैसा लग रहा हूँ बता दो एक बार, कमेंट करके बता देना कैसा लग रहा हूँ। और अभी मैं हूँ कहाँ पे? राहुल ऑप्टिकल क्लिनिक। राहुल ऑप्टिकल क्लिनिक है ये श्रीनगर रोड पे, पैनासोनिक शोरूम है उसके जस्ट सामने, ठीक है। तो भाई अब अपन आ गए हैं कॉलेज। कॉलेज का मेन गेट वो है। कॉलेज में कोई दिख नहीं रहा, सब चले गए क्या? मैं लेट आया हूँ यार, आज मैं कॉलेज में फाइल वाइल जमा कराने आया हूँ। लाइन लगी पड़ी है, जमा कराते हैं फिर मिलता हूँ आपसे। तो भाई सारा काम हो गया कॉलेज से, जो भी पेंडिंग वर्क था सारा कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको कॉलेज के दर्शन करवाता हूँ। तो मैं आ गया कॉलेज के बैक साइड में। यह है अपना वॉलीबॉल ग्राउंड। अभी यहाँ पे घास फूस कुछ ज़्यादा उग गई है, तो यहाँ पे हम वॉलीबॉल खेलते हैं। अपनी क्लासेस यहाँ पे लगती हैं। ये उस तरफ और है आचार्य डॉक्टर धर्मवीर भवन है, वहाँ पर भी कुछ ऑफिस और क्लासेस लगती हैं। यह है खेलने के लिए झूले। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग खेलेंगे नहीं, यहाँ पे बच्चे भी पढ़ते हैं। ये स्कूल और कॉलेज दोनों है, ठीक है। इधर हम लोग बैठ जाते हैं आकर के, जब हम लोग पढ़ाई नहीं करनी होती हम लोग छुप करके यहाँ बैठ जाते हैं आकर के। फिर प्रिंसिपल मैम आती है, हमको डांट लगाती है। और ये है नागार्जुन भवन, इधर ऑफिस है, एक लाइब्रेरी है और एक है स्पोर्ट्स का रूम। तो जब भी हमको कुछ खेलना आता तो हम इसके अंदर घुसते हैं, अपना सामान लेते हैं और खेलते हैं। और ये है मेरी कार। बाकी वो देख रहे हो वो है ग्राउंड, वहाँ पे हम लोग क्रिकेट फुटबॉल सब कुछ खेलते हैं जब भी हम लोग फ्री होते हैं। एक हमारा गेम्स का पीरियड भी होता है, जब हम लोग गेम्स का पीरियड होता है तो हम वहाँ पे जाकर के खेलते हैं। और जब लंच वगैरह भी होता है तो हम वहाँ पे जाकर के बैठ जाते हैं धूप में, और सर्दियों के टाइम में और गर्मियों के टाइम में यहाँ कहीं पर बैठते हैं और हम लोग खाते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। बहुत छोटा कॉलेज है अपना। और ये है अपनी क्लास, यहीं पर हम लोग पढ़ते हैं। गौर से देखिए इस क्लास को, और उस जगह को देख रहे हो वो है मेरी फेवरेट जगह, मेरी का यहाँ के सब बच्चों की फेवरेट जगह, वो है कैंटीन। और वो है एक और द्वार यहाँ से निकलने का। और ये है प्रिंसिपल ऑफिस, वो है लाइब्रेरी, वहाँ पे जा करके हम लोग पढ़ते बिल्कुल नहीं है, बस टाइम पास करते हैं। मैं अपने टीचर से भी मिलवाता लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, फ्रेंड्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ आए नहीं है। और एक है ये अर्चना हम लोगों को बता दूँ, लगभग 10-11 महीने बाद हम लोग कॉलेज आए हैं ना। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, 10-11 महीने बाद कॉलेज आए और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। ओए हमारा एक और दोस्त मिल गया, ये देवराज, ये हमारा एक और दोस्त है। हाँ मेरे को पता तेरी वीडियो लाइक करता हूँ। क्या हाल है यहाँ कॉलेज में आकर के लोगों के साथ पागलपंती हो गई, दिमाग खराब हो गया लोगों का। क्या दिमाग खराब हो गया? क्योंकि फाइल में कुछ बहुत सारे बच्चों ने एक चीज़ लिखी नहीं है और मैंने वो कम्प्लीट कर रखी है। हाँ यूनिट प्लान लिखना था, मैंने वो कंप्लीट कर रखा है, तो मेरी जमा हो गई, बाकी लोगों की जमा नहीं हुई, ठीक है। तो वापस दे दी सबको और अगले वापस जा करके जमा कराना, मेरे तो बल्ले बल्ले हो गए। इन लोगों की फाइल जो है डिटेल में चेक करी, मेरी इतनी डिटेल में चेक नहीं करी क्योंकि मेरी यहाँ पे इमेज है। भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब ऐसे करवाते हैं लोगों से। कॉलेज से सारा काम हो गया, हम लोग निकल गए इस द्वार से बाहर। बस वस नहीं मिल रही है, नहीं बस वगैरह मिल नहीं रही है, तो मैं इसको अजमेर के वो पर्वतपुरा बाईपास जो है वहाँ तक मैं इनको ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद अपन चलते हैं कहाँ, अपन चलते हैं एस्थर के, ठीक है। एस्थर के चलते हैं, वहाँ पे भी एकदम इम्पोर्टेंट काम है और उससे भी काफ़ी दिन से मिला नहीं हूँ, आप लोग भी नहीं मिले हो, तो आपको उनसे मिलवाता हूँ। उसके बाद देखते हैं आगे का क्या प्लान है। चलो तुमको एक चीज़ और बताऊँ, तुमको नहीं इनको, ये जो कॉलेज है ना एकदम सुनसान इलाके में बना हुआ है, देख लो दूर दूर तक कुछ नहीं है, ठीक है, ना यहाँ से कुछ ना यहाँ से कुछ, बस एक ही है बस। तो अभी मैं जा रहा था
तो मेरे को रास्ते में निखिल ने फ़ोन किया, एक मंदिर सातित्री बालाजी पे, वहाँ पे इसने बोला वहाँ मिलते। मैंने बोला तू कहाँ है अभी, तो इसने बोला स्टेशन रोड। मैंने बोला स्टेशन के ये जो घंटाघर है ना, घंटाघर के नीचे खड़ा हूँ, वहाँ पे मिल लिया आके। दो मिनट में आया, इससे ही मिल लिया और आप लोगों का, आप लोगों ने इसके वापस दर्शन कर लिए। कैसा लग रहा है? एकदम भाई बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा है, मेरा जिगरी आ रहा है। नहीं नहीं दौड़ तो लेता हूँ मैं, जिम में जाके ट्रेडमिल में 4 किलोमीटर दौड़ता हूँ भाई। कभी मेरे साथ ग्राउंड में आना भाई। यार भाई मेरे साथ भाई। कभी मेरे साथ कभी ग्राउंड में आना। ये 20 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ, और दूसरी बात क्या है, इसके बस की नहीं है, ये खाली फेंक रहा है। कभी इसको ग्राउंड में आजमाना, ठीक है? इसके बस की नहीं है, पागल है, पागल है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने अभी तक, और अभी दोपहर के 3 बजने वाले हैं। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। एक्चुअली क्या है ना, मैं कल रात को फाइल वाइल कंप्लीट कर रहा था, तो लगभग रात के 3 बज गए थे, और उसके बाद जब मैं सुबह उठा तो 9 बजे उठा। 1.5 घंटे के अंदर मैं तैयार वैयार होकर के, फ्रेश वगैरह होकर के मैं निकल गया कॉलेज के, तो खाने का टाइम नहीं मिला। और फिर वहाँ पे कुछ था भी नहीं खाने के लिए, तो क्या ही खाता। तो मैं अब अक्सर क्या आया हूँ, देखते हैं क्या करते हैं। बार बार जाएंगे, शूज़ भी लेने मुझको एक, ठीक है, स्पोर्ट्स के। मेरे पास मेरे एक स्पोर्ट्स के शूज़ थे, वो फट गए हैं, तो उसी के साथ मार्केट जाते हैं, तभी कुछ खाता हूँ, ठीक है, अच्छी जगह पे जहाँ पे सेफ्टी हो वहाँ पे खाते हैं। तो अभी मैं आया हुआ हूँ एस्थर के घर के छत पे, और तुम यहाँ से व्यू देखो। तो ये है एस्थर, कैसी है? अच्छी। सिर्फ अच्छी है? मेरा वीडियो बहुत बना यार। तेरा वीडियो तो जरूर आएगा। बिल्कुल भी नहीं। जरूर जरूर आएगा। ना ना। अभी हम लोग जा रहे हैं क्रेजी प्लेस करके एक कैफे है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, और एक इम्पोर्टेंट काम भी है, उस काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो भी काम अपन करने जा रहे हैं। हमने अभी ऑर्डर कर दिया मार्गरेटा पिज़्ज़ा, पाव भाजी, ठीक है, और मसाला डोसा और ब्रेड पास्ता, ठीक है। रेस्टोरेंट की जो लोकेशन है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, और इनका टेस्ट भी अच्छा है और काफ़ी अच्छे प्राइस में है, ठीक है। आराम से 50 लोग का यहाँ पे सेटिंग है, ठीक है, अंदर 30 लोग बैठ सकते हैं और बाहर भी आराम से 10-20 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। तो जो बिल आया है वो बिल आया है 408 का, ठीक है, मतलब इतना बढ़िया टेस्ट, इतनी बढ़िया क्वांटिटी ओनली 408 रुपीज़ में। शूज़ मैंने ले लिए हैं, घर चल के तुमको दिखाता हूँ कि कैसे हैं, और इनका रेट है मात्र 1000 रुपीज़। स्पोर्ट्स शूज़ में मैं ज़्यादा खर्चा करता नहीं हूँ। एक शूज़ मुझको पसंद आया था, वो था 2400 रुपये का, काफ़ी ज़्यादा सही था, लेकिन मम्मी ने बोला नहीं इतना महंगा स्पोर्ट्स का शूज़ मत लेके आना, 6 महीने में तुम फाड़ देते हो, ख़राब हो जाता है, फिर तुम नया लेके आते हो, हर मम्मी का यही कहना होता है। तो अपन ने शूज़ लिए मात्र 1000 रुपीज़ के, सही लिए, कोशिश करेंगे एक साल चल जाए। तो काफ़ी टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ घर, एस्थर को बोलते हैं बाय बाय एस्थर। पेंडिंग वर्क थे 2-3, वो भी निपटा लिया, कॉलेज का काम भी निपटा लिया, अब फ्री हो गए भाई, दिमाग के ऊपर से बहुत सारी टेंशन हट गई, मज़ा आ रहा है यार। बहुत टाइम हो गया यार, शाम 4:30 बज रहे हैं, लेकिन चलो एक दिन में सारा काम थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन सारा काम निपटा लिया, वो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे घर में मिलता हूँ, ऐसा भाई बोल दे यार सबको, बाय। आ गया अपन घर, और घर आने के बाद नहा धो करके एकदम फ्रेश हो चुका है अपन, ठीक है। मैं तुमको दिखाता हूँ शूज़, ये शूज़ है, प्यारा लग रहा है ना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है, ठीक है। ये इसका सोल है इस तरीके से, कुछ काफ़ी सही है, मैंने स्पेशली इसको रनिंग के लिए लिया है, और एक्सरसाइज वगैरह जो भी करता हूँ उसके लिए मैंने लिया है इसको। तो बस यार इस व्लॉग को मैं अब यहीं पे हैंड करता हूँ, आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा इस व्लॉग में भी, मज़ा आया हो तो लाइक मार देना, और जो लोग मुझको पहली बार देख रहे हैं हमेशा बोलता हूँ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। काफ़ी सारा पेंडिंग वर्क मेरा आज पूरा हो गया, दिमाग हल्का हो गया मेरा। एंड यार निखिल ने शादी कर ली, मुंबई में निखिल ने उन्होंने शादी करी, रात को 1 बजे उन्होंने ब्लॉग डाला, सरप्राइज ब्लॉग डाला, अचानक से मैं खुद शॉक हो गया, बहुत सारे लोग शॉक हो गए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आनस और निखिल भाई को। मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस आउट। 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी।